हेलो। हेलो, हाँ सर, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, आपको अभी मैसेज किया था। तो आपका एज कितनी है? 29। वेट, हाइट? हाइट है 5.5। वेट 73। कब से एसिडिटी? सर तकरीबन 1-1.5 महीने से चल रहा है। तो डॉक्टर्स को दिखा चुके, दवाई ले चुके? हाँ, मतलब अपने लोकल डॉक्टर से ही लिया था, दो एक बार जाके एसिडिटी की दवा लेके आया, तो वो अपने रेंटेक वगैरह गोली दिए थे और दूसरी एक गोली थी छोटी कैप्सूल टाइप थी, वो 2 टाइम लेने का बोले थे, बाद में 1 टाइम किए थे उसको। वो ऐसे चलते रहा, 5-5 दिन का कोर्स किया मैंने वो, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं उससे। आप पानी कितना पीते हैं? पानी तो सर ऐसा ऑफिस वर्क के अंदर मैं 2-3 बोतल पी लेता हूँ। 3 लीटर? हाँ, 2 से 3 लीटर दिन में होता है। और घर में? घर में बहुत कम होता है पानी। सुबह उठकर खाली पेट? सुबह उठ के खाली पेट में 1 ग्लास होता है। तो घर से निकलने से पहले एक दो और ले लेते होंगे? हाँ, 1 ग्लास पीता हूँ, कभी 1 ग्लास पीता हूँ, कभी उससे भी कम। और रात को भी हो जाता होगा डिनर के टाइम पर? हाँ, रात में भी सोने से पहले 2-1 ग्लास हो जाते, 2 से 3 ग्लास। तो करीब 4 लीटर, 3 से 4 लीटर के बीच में हो गया? हाँ, 3 से 4 लीटर के बीच में होता है। चाय? चाय 2 से 3 टाइम होती है दिन में, मतलब सुबह में एक खाली पेट पे होती है, उसके बाद में 4 बजे के टाइम पे, कभी रात में पिया तो पिया, नहीं तो वो भी नहीं। दूध? दूध नहीं बिल्कुल भी, कभी कभार दूध पीता हूँ, वो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनी हुई रहेंगी घर के अंदर, तो नहीं तो नहीं। और कोल्ड ड्रिंक्स? कोल्ड ड्रिंक्स ऐसी फिलहाल तो कुछ भी नहीं सर, कभी कभार ऐसा होता है सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीने का काम, मैं तो नहीं पीता। और लेमन वाटर या कुछ और चीजें लिक्विड में, लस्सी, बटर मिल्क? मैंने कुछ भी नहीं। और फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेस? मैं फ्रूट्स भी कुछ नहीं लूंगा। फ्रूट्स रेगुलर है कुछ? रेगुलर में कुछ भी नहीं है। सलाद वगैरह भी रेगुलर नहीं है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। ओके, आपने हाइट कितना बताया था? 5'5"? हाँ, 5'5", 5'6". ओके, आपका मील साइज कितना है? रोटी खाएं तो कितना रोटी होता है एक मील में? दोपहर के अंदर डेली में 4 रोटी रहते, और छोटा वो लंच बॉक्स का जो ये आता है ना डब्बा, स्टील का, उसमें चावल रहता है दाल के साथ में, वो राइस, और कोई भी भाजी चपाती के साथ में, 4 चपाती रहते। 4 चपाती और राइस? हाँ, 4 चपाती 1 राइस। तो 5 और 6 के आसपास कह सकते हैं। हाँ, और रात को भी ऐसे रहता है इतना अप्रोक्सीमेटली? रात में सिर्फ राइस खाता हूँ मैं, चपाती नहीं खाता। बट क्वांटिटी वाइज इतने के आसपास ही होता है? क्वांटिटी सिर्फ राइस रहता है, मतलब दिन में जितना राइस खाता हूँ ना दोपहर के टाइम पे, उससे डबल रात में राइस रहता है। ठीक है, और मॉर्निंग में? मॉर्निंग में कुछ भी नहीं सर, नाश्ता भी नहीं करता सुबह तो मैं खाली पानी पीता हूँ, फिर चाय पी के डायरेक्ट ऑफिस का काम स्टार्ट होता है, फिर लंच ब्रेक जो होता है 1 बजे, उसके टाइम पे कुछ खाता हूँ, नहीं तो उससे पहले कभी खाया तो 1-2 बिस्किट वगैरह खा लेता हूँ। तो पॉसिबिलिटी क्या है ब्रेकफास्ट करने की? अकेले रहते हैं? नहीं नहीं, और घर वालों के साथ में ही रहता हूँ, लेकिन सुबह में उठता लेट हूँ, निकलना जल्दी पड़ता है, तो वो शेड्यूल के अंदर नाश्ता रह जाता है डेली का करके। आपका डिनर कितने बजे का है? डिनर टाइमिंग रात में 8 से 9। देखिए, हेल्दी वे तो यही है कि ब्रेकफास्ट भी करिए, थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, दैट्स वन। सेकंड चीज क्या होता है कि एसिडिटी के जो सबसे मेन कारण होता है वो है लो मेटाबॉलिक रेट। हाँ, आपकी बॉडी इतनी एनर्जी नहीं बना रही जो आपके वाइटल ऑर्गेन्स के लिए मिनिमम वर्किंग के लिए जरूरी है। ओके, जैसे आपके हार्ट को, ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए वो सब नहीं मिल रही है। अच्छा, ओके, एंड द अदर थिंग ये कह सकते हैं कि क्योंकि आपके वाइटल ऑर्गेन्स को एनर्जी नहीं मिल रही तो आपकी बॉडी पानी स्टोर कर रही है। हाँ, तो जो आप 3-4 लीटर पानी पी रहे हो वो यूज नहीं हो पा रहा बॉडी में, तो वो बिल्डअप हो रहा है एंड उसकी वजह से आपको एसिडिटी है, वापिस बैक होता है सब कुछ। ओके, तो एक तरीका, तो पहला तो ये है कि आप पानी का इंटेक कम कर दो, खाना खाते हुए खाने के साथ साथ 1 गिलास पानी पी लीजिए। खाने के साथ में? हाँ, खाने के साथ में करीब 300 ml के करीब ले लीजिए। आप खाने के साथ शुरू से नहीं लेते? खाने के साथ में पीता हूँ, 20-20 में पानी पीता हूँ, और खाने के बाद में जल्दी नहीं पीता पानी, मतलब खाली
खाना नीचे उतरे उतना पानी पीता खाने के बाद में, फिर एक लंबा गैप रहता है, फिर मैं भूल जाता हूँ कभी कभार, तो फिर एक दो घंटे के बाद में रहता है पानी पीने का। तो ज्यादा टाइमिंग पे पानी नहीं है। कभी ऐसा भी होता है कि एक साथ दो तीन गिलास पी लिया? कभी कभार होता है ऐसा। अरे डेली एक बार नहीं हो जाता? हाँ रोज एक बार नहीं हो जाता होगा, एक या दो बारी? मैं समझाने से मतलब रोज के रोज एक बार ऐसा नहीं हो जाता जब इकट्ठा दो गिलास पानी पी लेते हैं, दो या तीन? नहीं नहीं बहुत कम होता है, यूजली मैक्सिमम एक ही गिलास पीते हैं ना एक बारी में। हाँ आप ऐसा करिए, खाने के साथ एक गिलास पानी पीजिए। हाँ तो तीन बार खाना खाइए, कोशिश करिए ब्रेकफास्ट भी करने का। ब्रेकफास्ट करने का? हाँ उसमें क्या रहता है ब्रेकफास्ट में, हाँ आपका जो साइकिल है ना, तो आपके पेट से जो खाना खाते हैं वो खाली होने का करीब 5 घंटे का है। हाँ और रात को स्लो डाउन हो जाता है। हाँ तो 5-5 घंटे के इंटरवल के ऊपर अगर आप फुल मील लेते रहते हैं, हाँ तो आपकी जो बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कंटिन्यूअसली आपके खाने से मिलती रहती है। हाँ जब आप लंबा गैप डाल देते हैं तो बीच में लीवर को वो देना पड़ता है। ओके तो लीवर के ऊपर लोड बढ़ जाता है और धीरे धीरे करके आपका एनर्जी मतलब फ्लक्चुएशंस होता है, इंसुलिन स्पाइक होता है, कभी कुछ होता है, तो धीरे हाँ। धीरे करके आपका बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो कम होता जाता है। अच्छा ठीक है, तो पहला काम तो ये हो गया कि अगर तीन बारी होगा 5-5 घंटे के इंटरवल पर होगा तो वो कंसिस्टेंटली आपके वाइटल ऑर्गेन्स के लिए जो चाहिए वो मिलता रहेगा और स्पाइक नहीं आएगा, ऑलमोस्ट रेगुलर फ्लो में एनर्जी मिलता रहेगा। सेकेंड जो काम करना है आपको, अपने वाइटल ऑर्गेन्स के लिए एनर्जी सप्लाई करने का काम लिम्ब से करिए। 5 मिनट सुबह चलिए और 5 मिनट के लिए लेट जाइए। तो इसके लिए आपको आधा एक घंटा सुबह खाली पेट, मतलब नहीं नहीं खाली पेट आपका मर्जी है, सुबह तो यूजली खाली होगा। आप अगर 8 बजे उठते हैं कोशिश करिए 7 बजे उठने का या 6:30 उठने का। 5 मिनट चलिए 5 मिनट लेट जाइए, तो उससे आपको शायद अगर आप यूज टू हो जाए तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपका नींद की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो कितनी देर तक करने का है सर ये? अगर 1 घंटा निकाल लें तो वेस्ट हो जाए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा रात को। अगर सुबह कम निकलता है आधा घंटा सुबह निकाल लीजिए और 1 घंटा रात को निकाल लीजिए। मतलब घर के घर में ही चलने का और फिर सो जाने का 5 मिनट के लिए लेटने का? हाँ जी। ओके। तो इससे क्या होगा कि आप 5 मिनट में जो बॉडी एनर्जाइज होगी, जो आपका एनर्जी का फ्लो होगा वो 5 मिनट में खत्म नहीं होगा इस एज में, तो वो आपके हार्ट को मिलेगा, तो हार्ट अच्छे से पंप करेगा, तो आपका जो फ्लूइड होगा वो ज्यादा से ज्यादा सेल में जा पाएगा और मतलब आपका जो बैक होता है एसिड होगा रिफ्लेक्स वो बहुत तेजी से कंट्रोल हो जाएगा 2-3 दिन में ही। हाँ। अब आपका पानी का इंटेक कम होगा तो आपकी सेल्स में जो एक्सेस पानी होगा वो निकलने लगेगा, तो हो सकता है आपको 1-2 दिन के अंदर कोल्ड एंड कफ हो जाए। तो आपको कफ निकलेगा तो आप दवाई वगैरह मत लीजिए, बस उसको क्लीन अप करते रहिए, सो दैट आपके चेस्ट में जितना भी एक्सेस फ्लूइड होगा वो सब कफ के फॉर्म में उस तरीके से निकल जाएगा। तो आपको 5 से 10 दिन लगेंगे उसमें। अच्छा, और पानी दिन में कितना फ्लूइड लेने का भी? पानी 3 गिलास 3 बार मिल लीजिए, 3 गिलास पानी लीजिए, उसके अलावा जब प्यास लगे 1 घूंट ले लीजिए। खाने के बीच में 1 गिलास और बाकी नॉर्मल में 3 गिलास? हाँ, एक का क्योंकि आपके फूड इनटेक इज गुड, आप 1 का 1.5 भी कर सकते हैं। ओके। वो खाने, खाने के बीच में ही 1 से 1.5 गिलास पानी और बाकी पूरे दिन के अंदर 3 गिलास पानी जाना मांगता है उसको छोड़ के। पूरे दिन में उसको छोड़कर, खाने को छोड़कर? खाने को छोड़ के बाकी पूरे दिन में 3 गिलास? नहीं नहीं बाकी पूरे दिन में बिल्कुल नहीं, ओनली जब कभी प्यास लगे गला सूखे तो आपको एक सिप ले लेना है। उससे क्या होगा कि आपको 2-3 दिन के अंदर प्यास लगनी बंद हो जाएगी, आपके मुंह में स्लाइवा बनना शुरू हो जाए, बेसिकली आपके सेल्स में जो एक्स्ट्रा पानी है उसको खत्म कर रहा है कुछ दिनों में, वो खत्म होगा तो आप यू विल फील बेटर, आपका कॉन्स्टिपेशन वगैरह या उस तरीके का कोई इश्यू होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, अगर नहीं है तो पेट का जो फंक्शनिंग है और अच्छा हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ जी, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। ओके। तो ये हो गया आपका पानी का कि 3 गिलास पानी पीना है, उसके अलावा सिर्फ सिप करके लेना है जब आपको प्यास लगे गला सूखे। टारगेट ये होना चाहिए कि 3 दिन के अंदर आपका गला सूखना बंद हो जाना चाहिए, आपके मुंह में स्लाइवा बनना शुरू होना चाहिए कम पानी के साथ भी। ओके। तो अगर ये नॉर्मली जो मुंह में थूक वगैरह मुझे आता है ना तो एकदम व्हाइट फेस कैसा रहता है? वैसे अभी व्हाइट रहता है। हाँ वो ठीक हो जाएगा,
तीन दिन तो नहीं, यूजली अगर उसको आप 3 दिन में आप कंफर्टेबल होंगे, 5 से 7 दिन में आपको अच्छे से सलाइवा बनना शुरू हो जाएगा, तो वो जो अभी गाढ़ा सा रहता है ना, स्टिकी सा रहता है, वो थोड़ा खत्म हो जाएगा। हाँ, वो स्टिकी ऐसा लगता है ऊपर से एकदम खट्टी डका रहेंगी, तो फिर खाने के बाद में खाना कभी कभी रिटर्न भी आएगा ना, तो एकदम खटास जैसी रहती है गले के अंदर भी खटास, मतलब गला ऐसा लगता है पकड़ा है किसने। हाँ, उसमें देखिए आपको 60% ऐसा वैसा लगता है। हाँ, 60% 70% आपको रिलीफ मिल जाएगा 2-3 दिन, बाकी आपका ग्रेजुअली धीरे धीरे जो 30-40% रह जाएगा ना, उसको करीब करीब आप लगा के चलो 15 दिन से लेकर 30 दिन लगेंगे। ओके, तो यूजली पानी का इंटेक कम रखना है, हफ्ते में एक दिन पानी का इंटेक बढ़ा के 2.5 लीटर कर लेना है, मतलब 8-10 गिलास करना है, वंस इन ए वीक। कितना? 2.5 गिलास लगा लीजिए, करीब 10 गिलास, 2.5 गिलास कह रहा हूँ, 2.5 लीटर, तो करीब 8-10 गिलास हो गया। 8-10 गिलास पूरे वीक के अंदर? वीक में एक दिन के लिए, वीक या 10 दिन में एक दिन के लिए। मैं समझा सर, ये सुन मेरे को समझ नहीं आया। आप बाकी सारा दिन तो चल रहे हैं कंपनी पर? हाँ, कंपनी के ऊपर चल रहे हैं, मतलब मेनली मिल के साथ ही ले रहे हो? हाँ, सिर्फ मिल के साथ ले रहे हो? सिर्फ मिल के साथ ले रहे पानी, 1.5 गिलास, 1 गिलास से 1.5 गिलास, और बाकी प्यास लगने के ऊपर दिन है, वो भी एक घूट, सिर्फ गला जो सूख रहा है उसको खत्म करने के लिए। ओके, 7th डे में आप 2.5 लीटर पानी पी लीजिए, इक्वली स्प्रेड करके, एक एक गिलास करके। ओके, पूरे दिन के अंदर डिवाइड करके 2.5 लीटर पीना है। हाँ, उसमें 3 बार खाना खाएंगे तो 1 गिलास उसके साथ में, और 5 से लेकर 8 गिलास वैसे, 5 से 7 गिलास वैसे, और दूसरे टाइम में। हाँ, दैट्स ऑल। और बाकी सर, ये पेट वगैरह एकदम फूक के टाइट हो जाता है कैसे? ठीक हो जाएगा वो सब इसी में हो जाएगा। थोड़ा सा जब आप वॉक एंड रेस्ट कर रहे हैं ना, 5 मिनट चलना है 5 मिनट लेटना है, तो बीच बीच में क्या करिए कि आप जैसे ए और बी पॉइंट के बीच में चल रहे हैं, तो ए पर थोड़ा सा बेंड कर लीजिए, जैसे जमीन को छूते ना बिना घुटने मोड़े हुए। हाँ, तो उतना जमीन को नहीं छूना, जितना कंफर्टेबल है उतना नीचे तक झुकेंगे, और फिर बी पर जाके झुकेंगे, बस रुकना नहीं है, बस झुके और चलते रहे 5 मिनट के लिए। तो उसमें 5 मिनट में से 2 मिनट भी करेंगे तो भी चलेगा, मतलब 8-10 बार हो जाए झुकने का काम, तो धीरे धीरे क्या आपका अगर कोई मतलब स्टमक में टाइटनेस वगैरह होगा वो एकदम ठीक हो जाएगा। और जब आप जब ये कंटिन्यूअसली झुकने का काम करेंगे ना, तो आपके पीठ में दर्द होता है, तो आप बिस्तर पर लेटकर साइकिलिंग कर लीजिए, मतलब ऑन योर बैक, एंड हल्का हल्का पाँव को, एक एक पाँव को करके पेट की तरफ लेकर आते ना साइकिल करते हुए। हाँ, तो 10 बार एक पाँव से, 10 बार दूसरे पाँव से, वो 3 से 4 मिनट वो कर लीजिए, तो आपका अगर बैक पेन होगा तो वो ठीक हो जाएगा, और पेट एकदम हल्का और फ्लेक्सीबल हो जाएगा। ओके, अब ये जो सर गले के अंदर एकदम स्टक जैसा फील होता है, पैक फील होता है, वो सही चलेगा ना? ये तो आपका वॉक एंड रेस्ट और ये जो पानी कम करेंगे उससे हो जाएगा। आप अभी तक जो लोगों का फीडबैक आ रहा है वो यूजली 48 घंटे में 80% रिलीफ मिलता है, नेक्स्ट 48 आवर्स में वो 80% का 60% रह जाता है। ओके, तो 40% जो रिलीफ है दैट टेक्स टाइम, पर आपको 60% तो इमीडिएट मिल ही जाता है। सेकेंडली, आपको दवाई का सहारा नहीं लेना पड़ता, क्योंकि दवाई से कभी कुछ ठीक नहीं होता, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता रहता है, तो इसमें एटलीस्ट you are not spending on medicine and doctors, and you are not basically getting used to medicines, जो कि बहुत illogical होता है, medicine का कोई science नहीं होता। हाँ, आपका basic problem ये है, वो address हो जाएगा, तो उससे आपको future में कोई problem आना होगा तो वो भी नहीं आएगा। Okay, तो ये ऐसा कोई throat infection वगैरह तो नहीं ना जो मुझे feel होता है? इफेक्ट तो ये ना पूरा नहीं, आपको क्या feel होता है throat में? मतलब एकदम stuffy feel होता है, पैक फील होता है, गला एकदम जाम लगता है, फिर खट्टी डकार आती है। सी, खट्टी डकार जब आती है तो आपका एसिड गले में आता है। मैं गला ना सर जाम जैसा लगता है, मतलब पकड़ा हुआ किसी ने अंदर से एकदम। हाँ, बाहर आते लगती है। समझिए उसको क्या होता है, आपके स्टमक में एसिड होता है। हाँ, वो एसिड का जो पीएच लेवल होता है वो 1.5 से लेकर 2.5 या 3 तक होता है। हाँ, 1.5 एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आप हाथ पर डालेंगे तो शायद छेद होकर नीचे से निकल जाएगा। ठीक है, अब ये स्टमक को डैमेज इसलिए नहीं करता कि स्टमक के अंदर एक स्पेशल म्यूकस लाइनिंग होती है जो स्टमक को एसिड से बचाती है। ओके, आपके गले में ऐसी कोई लाइनिंग नहीं होती, आपके गले के नीचे एक वॉल्व होता है जो कि वन साइड खुलता है, पर जब आपको एसिडिटी होती है तो नीचे से जो गैस बेसिकली नीचे से प्रेशर माना होता है, आपका वॉल्व भी सब कुछ वीक होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ ना आपका एनर्जी की प्रॉब्लम होती है, तो आपके वॉल्व में भी वीकनेस आती है, वॉल्व अपने आप से खुल जाता है, जबकि उसको नहीं खुलना, जैसे साइकिल का वॉल्व वन वे होता है ना, ऊपर से खाना पड़ेगा तभी खुलेगा, ये बिना खाने के भी अपने आप से खुल जाता है, तो
तो पेट में जो एसिड होता है वो गले में आता है, गले में कोई प्रोटेक्शन नहीं होता तो गले की जो टिश्यूज होता है उसको डैमेज कर देता है वो। ओके, तो पहले आपका ये एसिड का थोड़ा सा प्रॉब्लम ठीक हो जाए कि जो गले में आ रहा है वो बंद हो जाए, फिर वो धीरे धीरे करके नमक और पानी लेकर धीरे धीरे करके जो गले में डैमेज हो चुका है उसको हील अप करते हैं। दैट विल टेक लॉन्गर टाइम, मे बी 2-3 महीने लगेंगे उसमें। ओके, तभी फिलहाल के सब एक हफ्ते तक सिर्फ मैं ये कंटिन्यू करूँ, एक गिलास पानी खाने के बीच में, और बाद में एक आध हफ्ते के कोई एक दिन के अंदर 2.5 लीटर पानी। दो ही रखिए, 2.5 भी मत करिए, ऑन द लोअर साइड। ओके, ठीक है। बाकी और कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ दूसरा कुछ भी नहीं लेना? वॉक एंड रेस्ट? नहीं, मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है, वॉक एंड रेस्ट करिए, आपको एक या दो दिन में बहुत आराम मिल जाएगा। अगर आप आज रात को भी 1 घंटा चल पाएंगे तो सुबह तक भी यू विल फील लाइक 40-50% हो गया ठीक। ओके, ऐसा सीधे, थैंक यू सर, वेलकम वेलकम। चलेगा तो मैं 2-1 दिन के बाद में फिर आपको रिटर्न में कॉल करता लगेगा। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।